तो देखो हो गई है बन के तारी हमारी तैयार। कितने अच्छे चावल आए खिले खिले। ये देखो आ जाइए खा लीजिए आप भी। बहुत अच्छी तारी बनाई मैंने। अब मैम जी इनके पापा का खाना पैक कर दूंगी। तो देखो खाना तैयार हो गया था। आ जाइए खा लीजिए खाना। अब हम खाना खा लेते हैं। कमीज भी मेरी कंप्लीट हो गई, इनका खाना भी चला गया और अब है मेरी बारी, क्योंकि आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। और ये बच्ची है मेरे साथ, इसको भी अपने साथ ही खिलाऊंगी। मेरे पास है जो बच्ची। चल बेटे इसी प्लेट में खाएंगे दोनों, बहुत सारा है खाना। तो गाइस देखो आज मैंने खाने में बनाया है दाल चावल। ये मैंने दाल बनाई और ये बनाया है मैंने चावल, और रोटी भी बना ली मैंने। अब हम इनके पापा का खाना पैक करती हूँ। चावल मैंने ठंडे करने के लिए प्लेट में निकाले थे। तो चलिए अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपको दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज का इस तरह से है कि मैंने सब काम कर लिया अपना और अब असर की अज़ान होने वाली है, तो असर की नमाज़ पढ़ूँगी ना। बस गर्मी का क्या करूँ, गर्मी तो इतनी हो रही, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही। बस गर्मी ने दिमाग ख़राब कर रखा, कुछ करने का मन नहीं करता। सीने पिरोने की तो बहुत दूर बात है। परसों मैंने मशीन रख ली थी, एक कमीज तैयार की थी, उसके बाद भी मेरे से मशीन रखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि गर्मी इस कदर है कि बस कुछ करने को मन नहीं करता। खाना पकाने ही पता नहीं किस तरह हो। तो मैंने बताया था कल के मैं मम्मी के पास चली गई थी और फिर माँ कोई शूट नहीं कर सकी, क्योंकि हमारी चाची आ गई थी वहाँ। अब भाई ऐसा हो कि किसी के सामने नहीं जाता, कोई आना चाहे वीडियो में कोई नहीं आना चाहता, तो मेरा कोई भी शूट नहीं हो पाया। मैं रही बहुत देर, रात 10:45 बजे आई थी वहाँ से फिर, लेकिन शूट नहीं कर सकी मैं। इधर भैया की बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरा दूसरे नंबर का भैया है, उसकी पता नहीं क्या हुआ कि उस पर ना गुर्दे पे स्वेलिंग आ गई उसके। अब वो रात ऐसा हो रहा था, मेरा मन कुछ इसलिए भी मेरा मन नहीं चाहा कुछ भी करने को, क्योंकि वो बहुत ही मासूम सा है मेरा भाई, बहुत ही मासूम सा है, किसी को जल्दी से अपने दुख की बात बताना भी नहीं चाहता। और बस जब वो लेटा मुझे इतना तरस आया, जब छोटा सा बच्चा मेरा, बस दिल बहुत परेशान है। फिर सुबह मैंने फ़ोन करके उसकी तबीयत पूछी, मैंने कहा बाबू कैसी तबीयत? कहने लगा बाजी अब तो आराम है, अल्लाह ताला आराम रखे, बस दुआ करिएगा प्लीज़ मेरा भाई। भाइयों का बार बीबी का नाम और इसकी तो बहुत ही मतलब कुछ कहना ही नहीं चाहता। हैं तो मेरे सारे भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला उन्हें खैरियत के साथ, सेहत के साथ ज़िंदगी दे, उन्हें खुशियाँ दिखाया अपने बच्चों की। देखो जी हमारे तो भाई भी वही हैं, बेटे भी वही हैं। तो चलिए खैर, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देख के लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए कल मिलूंगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो आ जाइए पी लेते हैं शाम की चाय। तो देखिए चाय तैयार है। और इससे पहले मैं चली गई थी बहन के घर, क्योंकि मंतशा को लेने आ गया हमजा, उसका सामान देख के आई हूँ मंतशा का। और बस आके आने दे रही थी, बहुत मुश्किल से आई हूँ। और बस अब मैंने कहा चाय बना लूँ, चाय पी लूँ पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं।